अब आइए मेन सवाल पे आते हैं कि क्या कोई भी मुस्लिम जाकर सजा दे सकता है। तो यहाँ पे इस बारे में इमाम कुर्तुबी का मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी दलील है। मिसाल है कि चोर का हाथ काटना, तो क्या कोई भी शख्स जाकर चोर का हाथ काट सकता है, ऐसा है क्या? तो वो जो बात कह रहे हैं बहुत ही प्रोफाउंड बात कह रहे हैं। वो कहते हैं स्कॉलर्स आफ्टर स्टडीइंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने के बाद वो इस इजमा पर है, इजमा यानी कंसेंसस है, यानी इत्तेफाक है, यानी स्कॉलर्स में कोई इख्तिलाफ नहीं इस मौजू पर कि सिर्फ जो अथॉरिटी में होते हैं वो शरीयत की सजा नाफिज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रास्ता चलता आदमी जाकर के करे, जैसे केसेस बताए जा रहे हैं, तो वो केसेस में कोई कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम के मुताबिक टेररिज्म में वो करने की कोई इजाजत नहीं है, चाहे तुम्हें जितना भी दर्द हो, तकलीफ है, चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई इजाजत नहीं है कि तुम जाकर कानून को अपने हाथ में लो। ये इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है, ये मना है इस्लाम के अंदर, कोई करने की इजाजत नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर इंडिया के अंदर कोई कानून है, तो क्या कोई रस्ता चलता आदमी जाके नाफिज कर सकता है, क्या हम ये समझते हैं? तो जैसे यहाँ के कानून के अंदर है और कोई शख्स अगर करता है, तो जैसे हम देखते हैं बाज लोग हैं जो क्या करते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह करते हैं, उनको जो लगता है कानून अपने हिसाब से चलाते हैं, वो गलत है, वो भी आतंकवाद है, टेररिज्म है, और ये भी आतंकवाद है, टेररिज्म है, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम ने कोई इजाजत नहीं दी है, इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी गई है।